तो आप कैमरे के सामने बोलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, शर्म आती है, झाका झिझक। आप कहते हो यार तस्वीर ना बनाई, तस्वीर ना बनाई, परा ला जा, तो वो वाला सीन है ना। तो दोस्तों आज से आपकी कैमरे के साथ मैं दोस्ती करवाने वाला हूँ। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा ही होता था दोस्तों, जब भी मैं कैमरे के सामने आता था मुझे बहुत ज्यादा झाका झिझक शर्म। तो ऐसे ही मैं ना किसी को कहता था ना मेरी वीडियो बना, तो मैं ऐसे ही कहता था शुरू करूं, तो कहता था कार, मैं कहता था अच्छा कारना कारना, तो कभी हंसने लग जाता था। हाँ तो ऐसे लगता था पाँव भारे हो गए हैं, टांगे कांप रही हैं और ऐसे पसीने छूट रहे हैं, और बाद में कहता यार मैं नहीं बनानी, मैं नहीं बनानी, तो ये वाला सीन हो जाता था। मतलब बड़ा डर लगता था, लेकिन अब तो मैंने इसको अपना यार दोस्त कज़न रिश्तेदार बना लिया है। दोस्तों जब से मैंने इसके साथ दोस्ती की है तो घर बैठे मुझे तो अब तो पैसे आ रहे हैं, तो आप भी ज़रा कोशिश करें इसके साथ दोस्ती बनाएं। तो उसके दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में मुझे क्यों डर लगता था। मैं दोस्तों आप लोगों को पता है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो 4 वजह थी जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा इससे डर लगता था। दोस्तों पहली वजह मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को भला क्या होता है, उनको ये होता है कि शुरू में ज़ाहिर यही होता है कि एक्सपीरियंस नहीं होता, बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, कभी कैमरे के सामने आए नहीं हैं, तो कैमरे के सामने पता नहीं कैसी वीडियो बनेंगी, कैसा बॉडी लैंग्वेज होगा, पता नहीं कैसी मुंह से बात निकलेगी। तो ये डर होता है कि यार दोस्त देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, इधर उधर के लोग मोहल्लेदार देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि यार कि आजकल केड़ा काम शुरू करता है, वेखी सी तेरी वीडियो की बनान लग गए हैं। तो ऐसे होता है कि यार तूने वो क्या बात कर दी थी, ये क्या कह दिया था, बड़ा तू तो साईं लग रहा था, मलंग लग रहा था, तो मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर डर डर के जीते रहोगे ना, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिर्फ कैमरे से नहीं, दुनिया से नहीं, किसी भी चीज़ से आप डर के जियोगे ना, कभी भी आप खुल के काम नहीं कर सकोगे। इसलिए ये सारे जो खौफ है ना, इस खौफ को ख़त्म कर दो, ठीक है, किसी भी किस्म का खौफ है, आप खुल के जियो, आपकी अपनी ज़िंदगी है। तो इसलिए जो दिल में आ रहा है, जो बोलना चाहते हो, आप कैमरे के सामने आओ, जैसे किसी के साथ बातें करते हो। तो देखो मैं अब कैमरे को दोस्त बनाया हुआ, तो इसके साथ मैं बातें कर रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ कि कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं नॉर्मल लाइफ में भी बातें करता हूँ, यहाँ पर खुल के बता रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि मैं खुल के जीता हूँ। दोस्तों दुनिया दुनिया जो है ना, उसका मुंह कभी भी आप बंद नहीं कर सकते। आप कुछ बड़ा कर जाओगे फिर भी वो बोलेंगे, नहीं करोगे तब भी बोलेंगे। अभी आपको कहेंगे ना कि तुम ना यूट्यूबर नहीं बन सकते, वो तेरे जो क्वालिटी नहीं है, तू नहीं यूट्यूबर बन सकता, तो ऐसे कहेंगे ना। जब आप यूट्यूबर बन जाओगे आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको कहेंगे तेरा तो तुक्का लग गया है, तेरी किस्मत चंगी है, वैसे लगता नहीं कि तू यूट्यूबर बन जाना से बन गया, चलो अल्लाह खैर करे, है ना, दोबारा तू थल्ले आ जाए, तो इस तरह की फिर बातें करेंगे। तो ये दुनिया की टेंशन नहीं लेनी आपने, जो आ रहा है जहन में, जो बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, खुल के करना है, कैमरे के सामने आके अपना टैलेंट दिखाओ, पहली चीज़ समझ गए दोस्तों। दूसरी चीज़ भला क्या होती है, मेरे साथ भी यही था, मैं भी डरता ही था, मैंने आपको बता दिया रिश्तेदारों का, और इसका हल बताता हूँ। जब मैंने ये वीडियो डाली ना अपनी पहली, बड़ी डर डर के, आप मेरी पहली वीडियो देख लो ना, 20 दिन मैंने लगा दिए थे पहली वीडियो पर, मतलब 20 दिन सोचता ही रहा, कॉपी पर लिखता रहा, रट्टा सारा लगाया, फिर भी बीच में इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई और बेकार सी वीडियो, तो ऐसे ऐसे बना रहा हूँ दोस्तों, ये आप कर लें, वो कर लें, तो मतलब देख लेना, बड़ा आपको मज़ा आएगा। तो खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने वीडियो अपलोड की ना, तो रिश्तेदारों इधर उधर व्हाट्सएप पे जब शेयर की, फेसबुक पे, तो पहले नंबर पे तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि बस ठीक है, वीडियो बहुत अच्छी है। बीच में 2-4 लोगों ने मजाक भी उड़ाया, तो मैंने कहा हाँ हाँ। फिर 2-4-5 दिन जब गुजरे, मैंने और वीडियोस डाली, तो फिर वो देखते ही नहीं थे, कहते हाँ फलक शेयर दी वीडियो, चल यार टिकटॉक लाया नु छड़ परा फिर। तो इस तरह हो जाता है बाद में फिर आपकी किसी ने वीडियो देख ली है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ना ही देखे तो ज़्यादा बेहतर है, हम ही देखते रहेंगे तो या तो नज़र लगा देंगे या फिर आपको बातें करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट समझ गए, इस चीज़ को टेंशन ये छोड़ दो दोस्तों। दूसरी चीज़ होती है कि जो आप चीज़ बताना चाह रहे हो ना, उसका आपके पास अगर पूरा इल्म नहीं है, तो फिर आपको डर लगता है कि यार मैं क्या बोलूँ, क्या बताऊँ, क्या करूं, तो ऐसे बंदा फिर सोचता रहता है, ठीक है, समझ ही नहीं आती क्या करूं। मतलब आपको अगर पता है ना, जैसे कि मैं YouTube रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे इस बारे में पूरा इलम है, बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्ट होती है। तो ये कि मुझे कोई भी सवाल पूछ लेगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे सवालों के आंसर YouTube के रिलेटेड पता है, क्योंकि मैंने 3 साल यहाँ पर मेहनत की है, 3 साल धक्के खाए, समझा YouTube को, हर किस्म की चीज़ मतलब मुझे YouTube के बारे में पता चल गई, YouTube का सॉफ्टवेयर को ही मैं समझ गया कि ये कैसे काम करता है। तो इसलिए मुझे कैमरे के सामने डर नहीं लगता, मैं जैसी भी वीडियो बनाता हूँ खुल के बनाता हूँ। जब आप ऐसी बात करोगे ना कि मतलब आप गरीब हो, ठीक है, आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो सुन ली, अमीर कैसे बनते, तो आप सामने आके बताओगे अमीर कैसे बनते, आप खुद अमीर नहीं बने, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है कि अमीर कैसे होता है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब आप सामने आओगे तो जाहिर आपको डर ही लगेगा, एक झाका सा आएगा, यार बात क्या कर रहा हूं और खुद क्या हूं, तो इस तरह ये चीज़ हो जाती है। तो आप पूरा इलम रखिए दोस्तों। तीसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन ही आओगे और आप 2-4 दिन के अंदर परफेक्ट हो जाओगे, नहीं, आहिस्ता 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 ये इंसान
इंसान परफेक्ट होता जाता है, मतलब ये डर वगैरह खत्म होता जाता है, तो कैमरे के सामने फिर डर नहीं लगता। मैं शुरू में बनाता था ना वीडियो, तो शुरू में क्या होता था, बीच में काफ़ी टेक लेने पड़ते थे। टेक मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी बात करता था, भूल जाता था, फिर बात करता था, मुँह से कभी क्या निकल जाता था, कभी क्या निकल जाता था, ठीक है, तो बीच में बड़े कट लग जाते थे। वो क्यों? क्योंकि एक डर था, प्रेशर था। अब पूरी कोशिश करता हूँ कि एक ही फ्लो में, मतलब शुरू से लेकर एंड तक बीच में कट लगे ही ना, लेकिन फिर भी एक आधा कभी कभार लग ही जाता है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मैं एक ही फ्लो में पूरी वीडियो बना देता हूँ। कैसे हो पाया? प्रैक्टिस, बार बार वीडियो बना बना के आदत हो गई, ठीक है। और दोस्तों लास्ट पॉइंट बहुत ही मज़े का है, आप समझो कि ये आपका दोस्त है, कज़न है, रिश्तेदार है, जैसे दोस्त को बात बताते हैं ना, उसको को और अस्सलाम वालेकुम। अब वीडियो स्टार्ट करो ना, मतलब आपने कैमरा ऑन किया, तो इसमें एक ऐप होता है एडिटिंग ऐप, ठीक है, मतलब मोबाइल में आप कर सकते हैं, काइंड मास्टर, उसका मैंने तरीका बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बाद में देख लेना, मतलब वीडियो काटने के लिए। तो अब शुरू में ना जो हिस्सा काट देना है आपने, आपसे इससे बातें करो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैमरे हिलना नहीं है तूने, ठीक है ना, यहाँ पर खड़ा हो जा, आगे से हंसना भी नहीं है, मैं तुझे जो बात बताने लगाऊँ ना ध्यान से सुननी है, आज मैं एक बड़ी कहानी तुझे इंपॉर्टेंट बताने लगाऊँ, तो ठीक है उर्दू में बताऊँगा, राम राम से तुझे समझाऊँगा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा डरा ना, ठीक है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, बताऊँगा, ऐसे कहना, हाँ अब बताऊँगा, लंबे लंबे सांस लेने, देख अब मैं कैसी तुझे कहानी सुनाता, ठीक है, तो इसको दोस्त बना के ऐसे इसके साथ बात करो, ठीक है, इससे आगे ना सोचो कि दुनिया देखेगी या करेगी, बस यहाँ तक की सोचो, होता कुछ भी नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर हैं, तो मैं ये चीज़ सोचने लग जाऊँ, वो क्या सोचेगा, तो बस मैं वीडियो ही ना बना सकूँ, तो दुनिया जो सोचती है सोचते रहने दो, आप अपना काम करो, इस दोस्त के साथ बात करो, इसको बात समझाओ, यूट्यूब पर डाल दो, ये एक प्रोसीजर है, एक तरीकेकार है, इसको दोस्त बना के रखो, इसके साथ बातें करो शुरू में, ठीक है, कि इस तरह रिलैक्स हो जाओ जब, तो अपनी वीडियो स्टार्ट कर दो, ठीक है, और शुरू वाला जो हिस्सा इससे बातें की वो काट दो, दो चार दफा ऐसे करो, इंशाल्लाह आपका झाका उतर जाएगा, डर उतर जाएगा, शर्म शुरू करने से ही है ना दोस्तों, शुरू करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, डर नहीं शुरू करोगे तो बस ऐसे ही डरते रहोगे, तो इसलिए अभी आप मोबाइल पकड़ो, वीडियो बनानी शुरू कर दो, आहिस्ता आहिस्ता देखना, पहले हो सकता है ना सही बने, दो चार पाँच दिन तक आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंप्रूवमेंट आती जाएगी। तो खैर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।